नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल सतरंगी जीवन में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ राजस्थानी स्पेशल मूंग की कढ़ी, जो अक्सर राजस्थान में बनाई जाती है और लोगों को बहुत पसंद आती है। तो चलिए देखते हैं इसके लिए क्या क्या सामग्री चाहिए और इसे कैसे बनाई जाती है। चलिए इसे बनाते हैं। मूंग की कढ़ी बनाने के लिए ये मैंने दही लिया। इस दही में मैं बेसन डालूंगी, करीबन 1.5 कप दही है, तो इसमें 1 से 2 चम्मच हम बेसन डालेंगे। आप अपनी क्वांटिटी के अनुसार ले सकते हैं, आप दही की जगह छाछ भी ले सकते हैं। इसे रई की सहायता से फेटेंगे, इस तरह से दही में गुठलियां नहीं रहे बिल्कुल भी बेसन की, इसलिए अच्छे से आपको फेटना है इसे। फिर उसके बाद हम इसमें पानी डालेंगे। ये देखिए, इसको अच्छे से फेट लिया है, इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं है। अब हम इसमें पानी डालेंगे, तो पानी क्वांटिटी के अनुसार ही डालना है। फिर से हम इसको फेटेंगे अब, ताकि अच्छे से पानी मिक्स हो जाए इसमें। ये अच्छी तरह से फेटने के बाद इसको इस तरह से रखना है कि ये ज्यादा पतला भी नहीं हो और ज्यादा गाढ़ा भी नहीं हो। अब हम इसमें हल्दी डालेंगे, थोड़ी सी नमक स्वाद अनुसार। अब फिर से हम इसे फेटेंगे। इस तरह से फेटने के बाद चलिए अब हम कड़ी बनाते हैं। ये सरसों का तेल मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था, ये गर्म हो चुका है। आप चाहे तो कड़ी घी में भी छौंक सकते हैं। मैं इसमें अब राई डालूंगी, थोड़ी सी हींग या आधी मिर्च, लाल मिर्च है ये, सूखी भी है, इसको यूं क्रश करके डालना है आपको। ये प्याज और हरी मिर्च है, इनको मैंने बारीक काट लिया था। अब इसको हम मिक्स करेंगे, थोड़ी देर पकने देंगे। ये प्याज मिर्च लगभग पक चुका है हमारा। पकने के बाद अब हम इसमें ये अदरक को मैंने बारीक कूट लिया था, इसको इसमें डालेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें ये मूंग डालेंगे, जिनको मैंने 3-4 घंटे पहले ही भिगो दिया था और गर्म पानी में भिगोया था मैंने, ताकि ये अच्छे से भीग जाए। आप चाहे तो सुबह कढ़ी बनाए तो रात को भिगो दें, कम से कम 4-5 घंटे के लिए भिगो के रखें, ताकि ये कड़क नहीं रहे। अब इसको मिक्स करेंगे। मूंग भी हमारा लगभग पक चुका है, अब हम इसमें ये लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे और थोड़ी सी मामूली सी हल्दी। हल्दी हम पहले भी छाछ में डाल चुके हैं। ये पुदीना पाउडर है, आप टेस्ट के लिए डाल सकते हैं इसमें, या फिर अवॉइड भी कर सकते हैं। अब इन्हें हम मिक्स करेंगे अच्छे से, और ये सब आपको मध्यम आंच में करना है, जिससे कि ये मसाले जले नहीं। इसमें थोड़ा सा मामूली से पानी डालेंगे, नमक हम नहीं डाल रहे हैं क्योंकि नमक हम छाछ में डाल चुके हैं। अब हम इसमें बेसन मिलाई हुई छाछ डालेंगे। इसको इस तरह से लगातार चलाना है, जिससे कि कढ़ी हमारी फटे नहीं। हमें इस तरह से चम्मच को तब तक चलाते रहना है जब तक कि इसमें उबाल नहीं आ जाए। देखिए, इसमें उबाल आने लग गया है। अब हम चम्मच हटा देंगे और इसको कम से कम 5 मिनट तक इसी तरह से उबालेंगे, बिल्कुल मध्यम आंच में, जिससे कि इसमें टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। ये कढ़ी हमारी रेडी हो चुकी है। चलिए अब तड़के की तैयारी करते हैं। तड़के के लिए मैंने इसको इस गैस पर रख दिया है। अब हम थोड़ा घी डालेंगे। घी हमारा गर्म हो चुका है, अब इसमें डालेंगे थोड़ी सी राई, लाल मिर्च। अब उस तड़के को इसमें कढ़ी में डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। थोड़ा सा धनिया डालेंगे ऊपर से। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कैसी लगी। थैंक यू।